Dear student of class 8, I am starting your new chapter, chapter number 14, Chemical Effect of Electric Current. Conduction of Electricity. Similar to many solids, some liquids also conduct electricity. Conductors, substances such as silver, gold, copper, aluminium, etc., which allow electric current to pass through them, are said to be conductors. Insulators. Substances such as rubber, plastic, wood, etc., which do not allow electric current to pass through them, are called insulator. देखो, एक तो solids की तरह हमारे liquids भी electricity को conduct करते हैं, ठीक है? तो liquids किस तरह से electricity को conduct करते हैं और कौन-कौन से solid, मतलब हम कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं, the substances that allow the electric current to pass through them and the substances that do not allow the electric current to pass through them. They are said to be conductor and insulator. तो conductor वो substances होते हैं, जितनी भी metals हैं, like silver, gold, copper, aluminium, वो electric current को अपने अंदर से pass on होने देती हैं, तो उनको बोलते हैं conductor. और जो substances like rubber, plastic, wood, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, दे आर सेड टू बी इंसुलेटर, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स. सम सब्सटेंसेस अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन तो होने देते हैं, लेकिन बहुत ही उनका कम अमाउंट, ठीक है? देयरफॉर सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रादर देन बीइंग सेड टू बी एन इंसुलेटर. जो बिल्कुल भी पास ऑन ना होने दें वो इंसुलेटर है, और जो कुछ लिटल अमाउंट पास ऑन होने दें, बहुत कम अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो कर रही है बट इन ए वेरी लिमिटेड अमाउंट, तो उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर, नॉट इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम अंडर सर्टन कंडीशंस. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म कंडक्टर और इंसुलेटर, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर आर यूज टू डिस्क्राइब द सब्सटेंसेस. अब क्या होता है कि जैसे कुछ सब्सटेंसेस जो हैं बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, मतलब कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तो करने देते हैं अपने अंदर से, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के अंडर ही. तो इसीलिए हम कंडक्टर और इंसुलेटर की जगह अब क्या यूज़ करेंगे, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करने दे, पुअर कंडक्टर जो अंडर सर्टेन कंडीशंस या फिर ए वेरी लिटिल अमाउंट ही फ्लो करने दे, तो उन्हें बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. टेस्टिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स. तो लिक्विड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की हम टेस्टिंग देखो किस तरह से कर सकते हैं. अगर हम प्योर वाटर की बात करें, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. प्योर वाटर जिसमें कोई भी चीज़ डिजोल्व फॉर्म में नहीं है, इट इज़ टोटली वाटर विच इज़ इन टोटली प्योर फॉर्म, नो सॉल्ट, नो एनी अदर एसिड और एनी थिंग इज़ डिजोल्व इन इट, ठीक है? तो लिक्विड जिनके अंदर डिजोल्व फॉर्म में सॉल्ट्स होते हैं, लिक्विड विच कंटेन सॉल्ट्स डिजोल्व इन दैम कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जिन लिक्विड के अंदर सॉल्ट डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड कैन बी टेस्टेड यूजिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ बल्ब. अगर आपने किसी भी लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए और एक बल्ब चाहिए, ठीक है? प्योर वाटर अपने आप में गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जिन लिक्विड के अंदर सॉल्ट डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए अब हम एक्टिविटी करेंगे. टू शो दैट डिस्टिल्ड वाटर इज़ ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने ये प्रूव करना है डिस्टिल्ड वाटर जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है? मतलब डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, दैट आई हैव टू प्रूव. मटीरियल रिक्वायर क्या है, एक बीकर लेना है, बल्ब, ड्राई सेल, कॉपर वायर एंड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है? अब क्या करना है, 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है जो एक बीकर के अंदर आपने डाल दिया, ठीक है? बीकर जो 100 ml का है अप्रोक्स, उसके अंदर आधा मतलब पानी का भर दिया, उसे 50 ml पानी डाल दिया.
अब दो थिक कॉपर वायर लेनी है और उसके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग को उनके एंड से रिमूव करना है, ठीक है, उस वायर के एंड से कॉपर कवरिंग को रिमूव करना है। पोजीशन द एक्सपोज्ड एंड ऑफ दीज वायर इन द बीकर। अब इन इनके जो एक्सपोज्ड एंड्स है, मतलब जो जिनके ऊपर से आपने कवरिंग हटाई है, ठीक है, उस जहां से कवरिंग हटी हुई है उस एक्सपोज्ड एंड को आपने बीकर के अंदर डाल देना है, ठीक है। कनेक्ट द अदर एंड्स ऑफ द वायर, और दूसरे एंड्स ऑफ द वायर को आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट बाय टचिंग द बेयर एंड्स ऑफ द वायर सी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड ऑब्जर्व द बल्ब। अब जो आपकी वायर के बेयर एंड्स हैं उनको आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से अटैच कर दिया, ठीक है, एंड ऑब्जर्व द बल्ब, और बल्ब को ऑब्जर्व करना है। द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। दिस शोज दैट डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, आपने वायर्स ली थी, ठीक है, और आपने एक बीकर लिया जो 100 ml का है, उसको आपने आधा मतलब 50 ml पानी से भर दिया। अब ये वायर आपको ए और बी की फॉर्म में नजर आ रही हैं, वायर के एंड्स को आपने एक्सपोज कर दिया था, मतलब उसके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग हटा के उन जहाँ से प्लास्टिक कवरिंग हटाई हुई है उन एंड्स को आपने देखो बीकर के अंदर डिप कर रखा है, ए वायर और बी वायर को, ठीक है। फिर ए वायर का अदर एंड जो है आपने एक बैटरी या सेल से अटैच करना है। फिर उस वायर को आगे जो आपने बीकर में डाला था एक एंड, और दूसरा एंड आपने बैटरी या सेल से अटैच किया है, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड वायर यूज़ करनी है सी, दैट इज़ कनेक्टेड टू वन एंड जो है उसका आपने बैटरी या सेल से लिया है, और अदर एंड आपने अटैच किया है उसका बल्ब से, ठीक है। और बल्ब को आपने कनेक्ट करना है कॉपर बी वायर के अदर पॉइंट से, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। दो वायर लेनी है ए बी, और तीसरी वायर लेनी है सी। ए और बी के एक्सपोज एंड को आपने बीकर के अंदर पानी के अंदर छोड़ना है, ए वायर का एक एंड आपने बैटरी से जोड़ना है, ठीक है, और सी का एक एंड आपने बैटरी से जोड़ के दूसरा एंड आपने बल्ब से जोड़ा है, और बी वायर का अदर एंड आपने बल्ब से जोड़ा हुआ है। इस तरह से आपका सर्किट पूरा है, दैट इज क्लियर इन योर डायग्राम, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि आपका बल्ब ऑन होता है या नहीं होता। जैसे आपका सर्किट पूरा हुआ है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बल्ब ऑन नहीं होता। इट मीन्स दिस लिक्विड जिसके अंदर आपने वायर्स के एंड्स को छोड़ा हुआ है, क्योंकि देखो ना, जो वायर के एंड्स आपने बीकर के अंदर पानी के अंदर छोड़े हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है आपके, ठीक है। वो वायर के एंड्स अगर आपके बीकर के अंदर कनेक्टेड नहीं है, तो अगर वो लिक्विड कंडक्टर नहीं होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, तो बल्ब का सर्किट, बल्ब के लिए सर्किट पूरा नहीं हो सकता, बल्ब ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज दीज ओपन एंड्स आर पुट इन टू द वाटर, लेकिन वो वाटर कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा, उस पाथ को पूरा नहीं कर पा रहा। टू एंड्स ऑफ द वायर आर ओपन आर एक्सपोज इन टू द बीकर कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, एंड डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द सर्किट इज नॉट कम्प्लीटेड, इट इज एन ओपन सर्किट। अगर आप एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिप करते हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो ये एंड्स ओपन होने पर भी, क्योंकि वो लिक्विड कंडक्टर है इसलिए वो सर्किट को पूरा कर देंगे, दैट कैन बी शोन इन द नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर टू, टू शो दैट द वाटर कंटेनिंग एनी सॉल्ट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने देखा है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो अगर एक ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, एनी सॉल्ट, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। कैसे? मटेरियल रिक्वायर्ड, बीकर, बल्ब, ड्राई सेल, कॉपर वायर्स, डिस्टिल्ड वाटर, कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कास्टिक सोडा। ठीक है, आपने डिस्टिल्ड वाटर के साथ कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा भी लेना है। प्रोसीजर, 50 ml वाटर लेना है ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए बीकर जो कि 100 ml कैपेसिटी का है, मतलब एक 100 ml वाले बीकर में उसे आधा भर दो, 50 ml पानी भर दो उसके अंदर।
अब उसमें 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट ऐड कर दो इनटू द डिस्टिल्ड वाटर एंड डिसॉल्व इट बाय स्टीरिंग, और स्टीर करके उस कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो पानी के अंदर। अब वही उसी तरह से 3 वायर लेनी है ABC, उसी तरह से कनेक्शन देने हैं, जो ओपन एंड्स है एक्सपोज्ड एंड्स है उन्हें बीकर के अंदर डिप कर देना है, जिसके अंदर सॉल्टी सॉल्यूशन लिया मतलब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आपने उसमें कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। ए वायर के अदर एंड को बैटरी से जोड़ना है और बी वायर के अदर एंड को बल्ब से जोड़ना है, और एक सी वायर लेनी है जो बैटरी के साथ जुड़ती हुई बल्ब के दूसरे एंड से जोड़ देना है। इस तरह से आपका सर्किट पूरा हो गया। अब आप देखोगे बल्ब लाइट अप हो गया, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने सर्किट पूरा किया है, ठीक है, उसमें आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से सर्किट बनाया है जैसे लास्ट मैंने बताया है, सिर्फ उसमें डिस्टिल्ड वाटर था, इसमें सॉल्टी सॉल्यूशन है। अभी भी जो आपके एंड्स ऑफ द वायर हैं ए और बी के, वो बीकर के अंदर पानी के अंदर अटैच फॉर्म में नहीं है, ओपन फॉर्म में है, फिर भी सर्किट पूरा हो गया, बल्ब ग्लो कर गया, क्योंकि बिना सर्किट पूरा होते तो बल्ब ग्लो कर नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सॉल्टी सॉल्यूशन है, ये जिस जो दोनों एंड्स आपके ए और बी के वायर के, इसके एक्सपोज एंड्स आपने पानी के अंदर छोड़े हुए हैं, ये सर्किट, ये पानी जो है सर्किट को पूरा करा रहा है। जो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके आ रही है, ठीक है, ए वायर से जो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके आपके पानी के अंदर सॉल्टी सॉल्यूशन में जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू बी वायर पिकअप कर रही है, और बी वायर उसे बल्ब से होती हुई नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी तक लेके जा रही है। मतलब सर्किट इज बीइंग क्लोज्ड, सर्किट इज बीइंग कंप्लीटेड ड्यू टू विद द करंट इज फ्लोइंग, इट मीन्स दिस सॉल्टी सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग एंड द बबल्स ऑफ द गैसेज अपीयर एट द डिपिंग एंड्स ऑफ द वायर। इन फैक्ट दीज गैसेज आर हाइड्रोजन एट नेगेटिव टर्मिनल एंड ऑक्सीजन एट पॉजिटिव टर्मिनल। कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन ए प्योर वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस एक्टिविटी शोज दैट सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट गेट डिसोशिएट when the electricity is passed through it, the product of such decomposition are collected at the two electrodes. देखो जब आपका, अब मैंने आपको बता दिया कि आपका सर्किट कंप्लीट है और आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आप क्या देखोगे कि आपका जो ए एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच था वहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस के बबल दिखाई देंगे, और जो बी एंड आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच था वहाँ पर आपको हाइड्रोजन के बबल्स दिखाई देंगे। मींस गैसेस के बबल्स आपको शोन होंगे ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब आप कहोगे ये गैसेस कहाँ से आ गई? भाई कॉमन सॉल्ट को हमने पानी में डिजोल्व किया और पानी गुड कंडक्टर बन गया, ये तो आपको समझ आ गया कि भाई डिजोल्विंग एनी सॉल्ट इन वाटर द वाटर कैन बी मेड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये तो आपने प्रूव कर दिया। लेकिन ये जो गैसेस बनी है ये किस वजह से बनी है, ये भी आपको सीखना होगा कि जब आपके पानी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो वो वाटर जो था उसके उसमें डिसोसिएशन हुई, ठीक है, वो कॉमन जो वाटर है इन विद द कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व, ठीक है, जिसने उसको गुड कंडक्टर बना दिया उसने वाटर के आयंस को डिसोशिएट कर दिया, ठीक है। वाटर गेट डिसोशिएटेड इंटू, वाटर किसका बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स दिस वाटर गेट डिसोशिएटेड टू गिव्स द एलिमेंट विद विच दिस इज फॉर्म्ड, ठीक है। पानी किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, उसी में ब्रेकअप होके वो गैसेज की फॉर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो गया। It is clear that from these activities that pure water does not conduct electricity. इसका मतलब यह है कि pure water electricity को conduct नहीं करता, जैसे कि first activity में बताया था, while salt solution of water conduct electricity, salty solution
जो होता है पानी का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये हमने सेकंड एक्टिविटी में आपको दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी के अंदर कोई भी सॉल्ट डिजोल्व करते हो तो वो सॉल्ट जो है उस पानी को गुड कंडक्टर बना देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप टैप वाटर यूज़ करो, टैप वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से अगर आप पानी के अंदर एसिड डिजोल्व कर दो कोई भी, या कोई भी बेस डिजोल्व कर दो, मतलब सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बना दो, तो दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे अगर आप आपको जब एक्टिविटी स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि टेक दिस 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 मटीरियल रिक्वायर्ड में, तो उसमें मैंने आपको कॉमन सॉल्ट बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड बोला था, कास्टिक सोडा बोला था, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट एक आपका सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक एसिड है, और कास्टिक सोडा आपका एक बेस है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन को एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी बना देते हो तो दे द वॉटर बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सच लिक्विड्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो लिक्विड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, दीज लिक्विड्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट्स। Sometimes a bulb in the above activity does not glow even the liquid contains salt. This is due to the weak current flowing through the liquid. The current is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. In such situation an LED or magnetic compass can be used to detect the weak current. देखो कई बार क्या होता है, ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व फॉर्म में है, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो पाता। उसका रीज़न होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रही है लेकिन एक वीक करंट फ्लो हो रहा है। वीक करंट फ्लो होने की वजह से वो फिलामेंट को इतना हीटअप नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, बल्ब की जगह LED यूज़ करो या फिर मैग्नेटिक कंपास यूज़ करो, जो माइनर करंट को भी वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा बल्ब की जगह LED या फिर मैग्नेटिक कंपास यूज़ होती है। मैग्नेटिक कंपास अपनी डिफ्लेक्शन शो करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को शो करती है और LED ग्लो हो जाती है क्योंकि वो वीक करंट में भी ग्लो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेक्शन ऑफ करंट को मेजर कर सकते हो कि वेदर द सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर और नॉट। अब देखो LED दिखाई हुई है आपको डायग्राम में स्लाइड के अंदर। LED ग्रो करती है इवन व्हेन ए वीक करंट फ्लोस थ्रू इट। तो LED एक वीक करंट फ्लो करने पर भी खुद को ग्लो कर देती है, ठीक है। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड LEDs अटैच्ड टू एन LED एंड वन LED इज व्हेन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर वन व्हाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट। द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and the shorter lead is always connected to the negative terminal of the battery. अब देखो इसमें LED LED दिखाई हुई है। ये LED जो है इसमें एक बड़ी वायर है, एक छोटी वायर है, ठीक है। मतलब दो लीड्स लगी हुई हैं, दो वायर्स लगी हुई हैं। बड़ी वायर को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करती है और छोटी लीड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करती है। इस तरह से आपके सर्किट को कंप्लीट करती है और ये LED जो है वो आपको ग्लो करके माइनर करंट, वीक करंट के करंट के केस में भी आपको इंडिकेशन दे देती है कि करंट इज फ्लोइंग और नॉट। Nowadays LEDs आर बीइंग वाइडली used फॉर लाइटनिंग purposes. दीज आर अवेलेबल इन मैनी कलर्स सच एज वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येल्लो एक्सेट्रा। LED कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मोर ड्यूरेबल देन द लाइट बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। You might have seen LEDs being used in torches, traffic lights, decorative lights, show pieces, etc. आजकल LEDs का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम करंट लेती हैं और ये अलग अलग कलर में अवेलेबल हैं, ठीक है, वाइट, रेड, ब्लू, और ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं एज कंपेरिजन टू लाइट बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। इनका ज़्यादा इस्तेमाल हम टॉर्चेस में, ट्रैफिक लाइट्स में, डेकोरेटिव लाइट में, शो पीसेस में कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट किया तो वीक करंट अगर डिटेक्ट करना है, जो बल्ब से नहीं हो सकता, नहीं पता चल सकता कि लिक्विड कंडक्टर है या नहीं है, तो उस केस में LED से डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू
प्रिपेयर इट बाय लिसनिंग इट, ठीक है, 2-3 times एंड बाय रिटन प्रैक्टिस, ड्रॉ डायग्राम्स, इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप, ओके।